લોકસભા ચૂંટણીને લઈને બીજેપીએ પોતાના તમામ રાજ્યોના પ્રભારી જાહેર કર્યા છે. ઓમ પ્રકાશ માથુરને ફરી એકવાર ગુજરાતનો ચાર્જ જે છે તે સોંપવામાં આવ્યો છે. આપણી સાથે જોડાયા છે ભાજપા સાંસદ, તેમની સાથે જ વાત કરીશું. સર, સબસે પહેલે તો બધાઈ, ફિર એકવાર આપ ગુજરાત કા ચાર્જ સંભાલને જા રહે હૈ. કિતની કઠિનાઈ હોગી સર, ક્યુંકિ 2014 અલગ થા, 2019 અલગ હૈ. દેખીએ, પાર્ટી કે કાર્યકર્તા કે નાતે પાર્ટી જો ભી કામ દે उस काम को मैं मेरी क्षमता के अनुसार, जितना मेरा सामर्थ्य है, जितनी मेरी बुद्धि है, उनके अनुसार करने का प्रयत्न किया हूँ, करता हूँ. और अब पार्टी ने आज नई जिम्मेवारी कहा है लोकसभा चुनाव के नाते, तो जो भी पार्टी केंद्रीय नेतृत्व का जो भी राय होगी उनसे मशवरा करके जितना काम है, क्योंकि गुजरात जाना पहचाना है मेरा, तो जो भी निर्णय किया है मैं जितनी मेरी क्षमता उसके अनुसार वहाँ काम करूँगा. ગુજરાત મેં સર આપકે રિશ્તે કાફી પુરાને રહે, મોદીજી જબ મુખ્યમંત્રી થે તબ સે આપ ગુજરાત કા પ્રભાર સંભાલ રહે, તો 14 મેં તો 26 કી 26 આ ગઈ થી, 19 મેં આપ ક્યા દેખ રહે? 14 મેં ભી મેં પ્રભારી થા, 12 મેં ભી મેં પ્રભારી થા, તો 26 કી 26 આઈ, ઇસ બાર ભી 26 કી 26 આયેગી, નિશ્ચિત માનો આપ. મેં જો લક્ષ્ય તય કરૂંગા ઉતની સીટે આયેગી. વિધાનસભા કે પરિણામ કે બાદ કોઈ ફર્ક નહીં પડેગા? विधानसभा के परिणाम के बाद कोई फर्क नहीं पड़ना, कुछ भी उनसे इस बातों को नहीं जोड़ना चाहिए. ये जो चुनाव है ये प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होंगे, और गुजरात की धरती पर जहाँ से प्रधानमंत्री है इसलिए सीटें पूरी आना आवश्यक भी होता है. सर, कोई चेंजेस आप देखते हैं संगठन में के चुनाव के पहले, कोई संगठन में बदलाव? अभी तो जाएंगे, देखेंगे, कुछ बदलाव से रुसे नहीं होता है. मैंने बताया ना, मैं मेरी क्षमता बुद्धि के अनुसार जो भी पार्टी ने दा काम दिया मैं पूरा करने का प्रयत्न करूंगा. 26 की 26 जीत के लक्ष्य के साथ आप? बिल्कुल, वही लक्ष्य लेके चलने वाले हम. धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए. तो 26 से 26 सीट फरी एक बार जीतना लक्ष्य साथे ते गुजरात पहुंची रहा छे, अने आवनारो समय ज बतावशे के तेमनो जे लक्ष्य छे ते पूरु थाय छे के नहीं. दिल्ली थी कैमरा पर्सन अमोल साथे, तेनकला न्यूज़ मीडिया.